सो हेलो एवरीवन, दिस इज एनिमे असेंबल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, पोकेमोन की मूवीज देखने में बड़ा ही मजा आता है क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमोन और स्पेशल चीजों पे बेस्ड होती हैं। चाहे हम बात करें म्यूटो का बदला से लेकर क्योरम का मुकाबला तक, हर एक पोके मूवी सुपर्ब है। और कल यानी कि सैटरडे को हमें पोकेमोन की मूवी 15 क्योरम का मुकाबला, जो कि प्रीमियर हुई थी कल हंगामा टीवी पे, वो देखने मिली है। और ये मूवी मैं बता नहीं सकता इतनी ऑसम और सुपर्ब है। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस रिव्यू में आपको सब कुछ समझा पाऊं एकदम ठीक से। ये मूवी पोकेमोन फ्रेंचाइज की 15th मूवी है और इंडिया में इसका आना बहुत ही बड़ी बात है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की सेकेंड मूवी है। और ये मूवी को देखने में बहुत मजा आया और फैंस को भी ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। तो आज हम लोग मजे फिर से उठाने वाले हैं इस मूवी को फिर से याद करके, इसका पूरा रिव्यू देख के, और वो रिव्यू यही है। और हम लोग हिंदी डबिंग रिव्यू के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के ओएस टॉम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें अगर मूवी के नेम की, तो इंग्लिश नेम है पोकेमोन द मूवी 15 क्योरम वर्सेस द सॉर्ड ऑफ जस्टिस। वहीं पर अगर हम इसके हिंदी डब नेम की बात करें, जो कि यहाँ पे दिया गया है पोकेमोन द मूवी 15 क्योरम का मुकाबला, तो यहाँ पे दोनों ही नेम अपनी अपनी जगह पे बहुत ही मस्त है। क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश नेम की बात करें, इंग्लिश नेम में यहाँ पे दर्शाया गया है कैल्डियो को, जो कि इस मूवी में स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बनने का रोल प्ले कर रहा है और ये मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें हिंदी डब नेम के बारे में, तो वो है क्योरम का मुकाबला, क्योंकि क्योरम की बैटल ही तो सबसे मेन है इस मूवी में, इसीलिए हिंदी डब नेम में क्योरम को दर्शाया गया है। सो गाइस, हम लोग ने नेम्स की बात तो कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें मूवी के मेन कैरेक्टर्स की, तो वो है एश केचम एंड पिकाचू, साइलन एंड आयरस, द ग्रुप ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस यानी कि कोबेलियन, टेराकियन, विराइजियन एंड कैल्डियो। साथ में कुछ अलग कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि मालिन, जो कि कुछ टाइम के लिए इस मूवी में अपियर होती है, एल्डर, जो कि ड्रैगन टाइप और लेजेंड्स पोकेमोन के बारे में इन्फॉर्मेशन रखती हैं, और अपना लेजेंडरी क्योरम, जो कि एक ड्रैगन और आइस टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है यूनोवा रीजन का। तो इस मूवी में मूवी 14 यानी कि विक्टिनी और रेशिरम से कम कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इस मूवी में पूरा फोकस किया गया है कैल्डियो के ऊपर, जो कि स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस के ग्रुप में नया आया है और अभी वो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। अगर हम ग्रुप की बात करें, तो उनमें है टेराकियन, कोबेलियन जो कि ग्रुप का लीडर है, और साथ में विराइजियन जो कि सबसे स्मार्ट और तेज है, और कैल्डियो जो कि अभी हाल ही में ही आया है। तो मूवी की प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से है, अपना एश केचम, पिकाचू और आयरस और साइलन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं द न्यू योनावा रीजन। वहाँ पे वो लोग एक ट्रेन में जाते हैं, जाके ट्रेन के ऊपर उनको मिलता है कैल्डियो, जो कि स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बनना चाह रहा होता है, और स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बनने के लिए कैल्डियो को क्योरम को हराना पड़ेगा, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, ऐसा इस मूवी में बताया गया है एल्डर के द्वारा आयरस को। तो कैल्डियो सीधा चैलेंज कर देता है द लेजेंडरी पोकेमोन क्योरम को, जो कि एक बहुत ही डरावनी गुफा में रहता है, और क्योरम को कुछ कुछ ईविल टाइप दिखाया गया है इस मूवी में। वहाँ पर कैल्डियो की बुरी तरीके से हार होती है और उसके दोस्त भी उसे बचाने के चक्कर में बर्फ में जम जाते हैं, क्योंकि कैल्डियो झूठ बोलकर क्योरम को चैलेंज कर देता है कि वो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है, जबकि वो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस नहीं होता है। और क्योरम को ये बात पहले से ही पता होती है कि कैल्डियो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस नहीं है, फिर भी वो चैलेंज अप्रूव करता है। और क्योरम को देख के कैल्डियो बुरी तरीके से डर जाता है और घबरा जाता है, जहाँ पे वो भाग भाग के घायल हो जाता है और एक ट्रेन पर गिर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एश केचम और साइलन और आयरस से और पिकाचू से, जो कि उसको क्योरम से बचाकर लाते हैं एक पोकेमोन सेंटर में, जहाँ पर कैल्डियो की जान बच जाती है। लेकिन उस बड़ी लड़ाई में कैल्डियो का एक हॉर्न यानी कि सींग टूट जाता है। वहीं पर एश केचम, साइलन और आयरस अपना पूरा ट्राई करते हैं, और वो लोग पूरा ट्राई करते हैं कि वो लोग स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस के बाकी बर्फ में जमे मेंबर्स को एकदम फ्री करा पाए। और क्योरम के दोस्त क्रायोगनल्स हमला कर देते हैं ऐश और उनके ग्रुप पे, और उनमें क्योरम भी शामिल होता है। किसी तरीके से बचकर आयरस उनका ध्यान भटका कर उनको कहीं और ले जाती है। इसी के चलते ऐश केचम और कैल्डियो क्योरम के उस माइन में पहुंच जाते हैं, और वहां पे कैल्डियो की और क्योरम की बहुत ही लेजेंड टाइप की बैटल होती है, जहां पे कैल्डियो का फॉर्म सामने आता है एक नया वाला, जिसको कि कहते हैं रेजोल्यूट फॉर्म, जहां पे उसका टूटा हुआ हॉर्न भी ग्रो हो जाता है। माइन तबाह होने से पहले क्योरम उसे फ्रीज कर देता है, ताकि और नुकसान ना हो। बात करें मूवी के एनिमेशन की, तो एनिमेशन बहुत ही अच्छी दी गई है, जहां पे हर एक फ्रेम में अपना पूरा ध्यान दिया गया है। और इसको अगर हम कंपेयर करें मूवी 14 विक्टिनी और रेशिरम से, तो ज्यादा फर्क हमें देखने नहीं मिला एनिमेशन में, क्योंकि ये एक ही जनरेशन की मूवीज है, जनरेशन 5 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की, तो इतना फर्क हमें देखने नहीं मिलेगा। जब बात करें हमारी स्टोरी की, तो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी दी गई है, फोकस पूरा कैल्डियो पे रखा गया है, जहाँ पर एश केचम और उसके दोस्त कैल्डियो की जान बचाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो स्टोरी भी काफी अच्छी दी गई है, जहाँ पे मूवी ज्यादातर अंधेरे में है थोड़ी, क्योंकि रात का टाइम दिखाया गया है, और देखने में भी बड़ा मजा आया, एक भी सीन हमें बोर नहीं हुआ। सो मूवी वॉज वेरी गुड। बात करें क्योरम के कैरेक्टर की, तो वो एकदम ईटाई शक्तिशाली है, जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अपने रूप बदल सकता है। उसके फॉर्म्स के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज दी गई है हमें इस मूवी में। मूवी में हमें जानने मिला कि क्योरम अपने फॉर्म्स चेंज कर सकता है,
और दो महान लेजेंडरी पोकेमोन ज़ेक्रोम और रेशिरेम यानी कि पोकेमोन ब्लैक और पोकेमोन व्हाइट की पावर्स भी यूज कर सकता है, जिससे वो ब्लैक क्यूरेम और व्हाइट क्यूरेम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और मूवी में ये कहा जाता है कि जब दो महान लेजेंडरी पोकेमोन ज़ेक्रोम और रेशिरेम एग्जिस्टेंस में आए, तभी क्यूरेम भी एग्जिस्टेंस में आया था यूनोवा रीजन में। और क्यूरेम दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। बात करें कैल्डियो की तो कैल्डियो का भी बहुत अच्छा रोल था। बात करें ऐश और उसके फ्रेंड्स के रोल की तो वो लोग का भी रोल बहुत ही अच्छा था, जो कि कैल्डियो को मदद करते हैं ताकि वो क्यूरेम को हरा पाए और अपने दोस्तों को छुड़ा पाए और ताकि वो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बन पाए। और एंड में ऐसा ही होता है, कैल्डियो बन जाता है स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस उसके दोस्तों के साथ। सो ये तो हो गई मूवी के बारे में। अब बात कर लेते हैं मूवी की हिंदी डबिंग के रिव्यू के बारे में। तो हिंदी डबिंग इस मूवी की अमेजिंग की गई है। यहाँ पे एक एक सीन एकदम अच्छे से डब किया गया है। क्यूरेम की वॉइस भी एकदम ऑसम दी गई है और कैल्डियो की भी। तो हिंदी डबिंग हमेशा की तरह बहुत अच्छी की गई है, जहाँ पे आप लोग एक भी टाइम पे बोर नहीं होगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1500 लाइक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में वीडियो को शेयर करना हर एक पोके फैन के साथ, ताकि वो भी इस रिव्यू को एंजॉय कर सके। और रिव्यू सच में बहुत ज्यादा पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले। और इस मूवी के बारे में अपने ओपिनियंस भी कमेंट में बताना, जिससे मैं आपके ओपिनियंस जान पाऊं और उन्हें समझ पाऊं। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जब तक के लिए ड्रू पोकेमॉन और एनिमे फैन बने रहिए।